यस, होपफुली नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। इफ यू डोंट हैव बुक, कोई मसला नहीं है, मैंने आपसे स्क्रीन शेयर कर दी है। ठीक है। अच्छा, हमारा ये टॉपिक है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। बेसिकली ये टॉपिक डिसाइड इसलिए भी किया है मैंने ये चैप्टर, बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन योर मिड टर्म ग्रैंड टेस्ट। ठीक है, मिड टर्म का जो अभी आपका टेस्ट होने जा रहा है 1 महीने बाद तकरीबन, इट विल बी इन द एंड ऑफ जनवरी और फेब्रुवरी के स्टार्ट तक, तो उसके सिलेबस में ये वाला चैप्टर इंक्लूडेड है। ठीक है। अच्छा, ये वाला चैप्टर जो है बेसिकली हम लोग इसमें वो ट्रांसलेशन वाला मेथड नहीं अपनाएंगे कि मैं रीड करूंगा और आपको जो है वो बताऊंगा। इसका तरीकेकार ये होगा कि वी विल हैव अ डिबेट। ओके, हम इसके ऊपर एक डिबेट करेंगे। ठीक है, एक डिस्कशन करेंगे और उसमें इस चैप्टर को पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, हमारे डिस्कशन जरूर होगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम है आप तमाम बच्चों ने करना ही है कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ लियाकत अली खान वॉज बॉर्न से लेकर यहाँ तक टू द नेशंस लॉस, यहाँ तक का ये छोटा सा पैराग्राफ रीड करना है। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, और फिर उसके बाद इस रीडिंग के बाद मैं आपसे उस पर डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ये रीडिंग करना स्टार्ट कर दें और मैं आप लोगों को क्वेश्चन भेज रहा हूँ। सही। हाँ मैंने क्वेश्चंस भेज दिए आप लोगों को। ठीक है, पैराग्राफ अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो वो क्वेश्चंस देखें एक दफा। अच्छा भाई, मेरा आप लोगों से जो पहला क्वेश्चन है, होपफुली कि अब तक आप लोगों ने ये रीड कर लिया है। ओके, सो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, हु इज लियाकत अली खान? डू यू नो हिम? नाम सुना हुआ इनका? He was a right hand man of Qaid-e-Azam. दैट्स ग्रेट। एंड एनीथिंग स्पेशल अबाउट हिम? Sir, he was the first Prime Minister of Pakistan. Okay, he was the first Prime Minister of Pakistan. Okay, so can you tell me के इनसे पहले पाकिस्तान की लीडरशिप कौन संभाल रहा था? If he was the first Prime Minister, so who was leading Pakistan before him? कायदे आजम Yes, that's true, कायदे आजम। तो कायदे आजम का क्या डेजिग्नेशन था? क्या वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे? हाँ, इफ ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर देन हु वॉज कायदे आजम? सर, ही वॉज द लीडर, आई थिंक he जस्ट was the leader and he chose him to be the prime minister. डोंट यू थिंक कि जस्ट बिकॉज कायदे आजम सेड एवरीबडी एक्सेप्टेड लियाकत अली खान एज द प्राइम मिनिस्टर, और
don't you think there are some procedures to be prime minister? I don't know about that. Okay, don't worry about that. That's why I decided to read this chapter as discussion. जब भी मैंने इस पे एक डिबेट और इसको जो है ना डिस्कशन मेथड पे रखा है, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी लॉजिक्स और इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, दुआ आपने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं अपने क्वेश्चंस आपको भेज रहा हूँ, आप क्वेश्चंस देख लें. ओके, सो व्हेन पाकिस्तान फाउंड इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947, जस्ट आफ्टर दैट पाकिस्तान वॉज सेपरेटेड इंटू अ बॉर्डर लाइन एंड देन पाकिस्तान को लीड किया कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने. लेकिन किस डेजिग्नेशन की बेस पे लीड किया? ऑब्वियसली उनके पास एक ऑफिशियल अथॉरिटी तो होगी ना, जिस पे उनके सिग्नेचर्स चलते होंगे, जिसकी वजह से उनकी इंस्ट्रक्शंस मानी जाती होंगी. उनके पास कोई ना कोई ओहदा होगा. मैं वो पूछना चाह रहा हूँ, वो ओहदा कौन सा है? प्लीज डोंट से कि आपको नहीं मालूम. हाँ भाई अरीबा, आप बताइए. ओके, इबाद इज सेइंग ही वाज अ लॉयर. ओके, सो जस्ट बिकॉज ही वाज अ लॉयर एवरीबॉडी कंसीडर्ड हिम एज वन ऑफ हिज इनिशियल पार्ट. सर वो मुस्लिम लीग के प्राइम मिनिस्टर थे आई थिंक. कैन यू रिपीट योर आंसर प्लीज? मुस्लिम लीग पार्टी थी उस वक्त, तो उसके प्राइम मिनिस्टर थे मेरे ख्याल से. बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट थे उसके. और लेकिन ये वाली कहानी तो उस वक्त थी जब इंडिया पाकिस्तान एक था. पाकिस्तान अब हो गया बिल्कुल डिफरेंट, अलग हो गया इंडिया से. और पाकिस्तान का जो फर्स्ट डे से लीडर बने आई मीन टू से वो कायद आजम बने, लेकिन उनकी जो डेजिग्नेशन थी वो थी गवर्नर जनरल. थोड़ा सा जहन में आया, कायद आजम वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. थोड़ा स्लाइटली सा याद करने की कोशिश करें, पीएसटी में पढ़ा होगा आपने आई गेस. वो बात और है, पीएसटी आपको ज़बरदस्ती पढ़ाई गई है, आपने रट्टे भी बहुत मारे होंगे उसमें, दो कौमी नज़रिया और क्या कहते हैं सिंताफ मुहिदा. लेकिन ये वाली बात याद, हाँ एग्जैक्टली 14 पॉइंट. तो कायदे आज़म वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. लेकिन एक क्वेश्चन है, आप लोग सोच के देखिएगा, कायदे आजम के बाद आज तक पाकिस्तान में कोई शख्स गवर्नर जनरल क्यों नहीं बना, प्राइम मिनिस्टर क्यों बने? उसके बाद से लियाकत अली खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद से सब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, गवर्नर जनरल कोई शख्स क्यों नहीं बना? और गवर्नर जनरल कहते किसको है? लीडर को, लीडर से बहुत बड़ी पोजीशन है. इसने जात कराया. ये स्पेशल टर्म दी थी आपको पता है, ये एक स्पेशल टर्म बनाई थी गवर्नर जनरल की, और इसके इख्तियारात भी प्री डिसाइडेड नहीं थे, उस वक्त डिसाइड किए गए थे. एक बहुत ही ख़तरनाक, और मैं आपको लिटरली बताऊं, आज के दौर में अगर कोई शख्स गवर्नर जनरल बन गया पाकिस्तान का, तो लिटरली या तो पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, या तो फिर इस दुनिया में से पाकिस्तान का नक्शा बचेगा, अगर इस टाइम पर कोई पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बन गया तो. सोचें कितना खतरनाक दर्जा ही है. चले मैं बताता हूँ, ज़्यादा एक वो कहते हैं सबर का इम्तहान नहीं लेता आपका. गवर्नर जनरल ऐसे शख्स को कहते हैं जो एक ही टाइम पे प्राइम मिनिस्टर भी हो और आर्मी चीफ भी हो, यानी जो के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी हो और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी हो, ऐसे शख्स को कहते हैं गवर्नर जनरल. इसके पास दोनों इख्तियार होते हैं. अब सोचें ये कितना ख़तरनाक दर्जा है कि आपकी आर्मी भी आपकी सुनेगी, आपके कहे हुई बात पे अमल करेगी, आपके इंस्ट्रक्शंस को फाइनल डिसीजन माना जाएगा, और आपके मुल्क का आइन भी आपके मुताबिक चलेगा. खैर उस वक्त तो आइन था ही नहीं हमारा, लेकिन उस वक्त जो भी मुल्क की बात चलेगी वो उस शख्स की चलेगी. तो कायद आज़म वॉज दैट पर्सन. आफ्टर हिज डेथ देन देयर कम द डेमोक्रेसी, फिर डेमोक्रेसी के रूल के मुताबिक जो है वो मैंडेट्स बनाए गए, लोग उसके अंदर आए, लियाकत अली खान साहब थे, इलेक्शंस लड़े गए. इलेक्शंस के बाद जो शख्स इलेक्ट होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है. कभी भी विदाउट इलेक्शन कोई भी शख्स प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता. सो लियाकत अली खान
ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और इलेक्शन को जीता और फिर वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। एक और जनरल नॉलेज वाला सवाल, लियाकत अली खान अकेले तो इलेक्शन में खड़े नहीं हुए होंगे, उनके अपोजिट भी कोई ना कोई होगा, तो कौन था वो? लियाकत अली खान ने किसके अपोजिट इलेक्शन लड़ा? हाँ भाई, है ना ट्रिकी सवाल, लेकिन देख लें ये हमारी तारीख से जुड़ा है। हाँ भाई, हंसला, इफ्रा, इबाद, किसके अगेंस्ट किया होगा? सर, आई हैव नो क्लू अबाउट दैट। सी, दीज थिंग्स आर सो इंटरेस्टिंग एज वेल एज अननोइंग, यानी कि अभी तक इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डिटेल्ड बात हुई भी नहीं है चीज़ों के बारे में, होनी चाहिए थी बट आई डोंट नो व्हाई इट वाज़न्ट टॉक्ड अबाउट। ओके, लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट दैट। लियाकत अली खान वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड ही फॉट इलेक्शंस अगेंस्ट मोहतरमा फातिमा जिना। शी वॉज अपोजिट ऑफ लियाकत अली खान। लियाकत अली खान के अपोजिट इलेक्शन लड़ने वाली जो खातून थी वो मोहतरमा फातिमा जिना थी, द सिस्टर ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना। अब एक मिनट के लिए आपको एकदम लगा होगा कि ऐसा कैसे, ये दोनों तो एक ही तरह के लोग हैं, मतलब दोनों ही ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, दोनों ही जो है पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स में से हैं, यानी कि पाकिस्तान की जद्दोजहद में दोनों का बड़ा किरदार रहा है। सो व्हाई दे फॉट इलेक्शंस अगेंस्ट ईच अदर, डू यू नो द रीजन? बट यू शुड नो आई गेस अबाउट दिस। डू यू वांट टू नो इट कि व्हाई दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर? फॉट वो वाला मतलब वो नहीं लड़ाई झगड़े, वो डंडे वंडे लेकर आ गए और लड़ाई शुरू कर दी, नॉट दैट वन। Okay, let me ask you a very tricky question. Okay, imagine you are in that time, aap us waqt pe maujood hain, and you have to choose one. Aap mein kisi ek ko choose karte hain. So you have to vote, actually, you have to vote any one of them. Okay, ya to you have to vote Lyaqat Ali Khan or you have to vote Mohtarma Fatma Jinnah, whom you are going to vote. Let's just start with Abdullah. Yes, Abdullah, aap kisko vote de rahe hain? And I'll ask you why you are voting. जी अब्दुल्ला, और दूसरे बता सकते हैं आप लोग भी, दूसरे भी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तारीख बनाने के लिए, मतलब जैसे करते हैं लोग कि मतलब कि पहला जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऐसा वुमेन को होना चाहिए, या फिर तो इसके इसके मतलब दोनों के इस बात के दरमियान में मतलब उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा उन्होंने लियाकत अली खान ने और मोहतरमा फातिमा जिना ने। ओके, मे बी, बट आप किसको वोट करते हैं अगर आप होते उस वक्त? सोचना पड़ेगा सर, है ना ट्रिकी क्वेश्चन है ना काफी। ओके आगा, आप किसको करते वोट? जी आगा साहब, आप किसको वोट करते हैं? अरीबा, आप भी बताइए। सर हम उस जमाने के तो खैर नहीं है, अब तो कहीं मार सकते हैं। हाँ, exactly. प्रोग्रेस, प्रोग्रेस देख के सर बताया जाता ना सर। स्टिल यू हैव टू वोट वन। तौफीक इज सेइंग लियाकत अली खान को वोट करते हो। ओके, आगा इज सेइंग बोथ आर ग्रेट लीडर्स बट फातिमा अली जिना इज द ग्रेटेस्ट ग्रेट पर्सनैलिटी, आई वुड वोट फॉर फातिमा जिना। ओके ईशा, यू जस्ट जॉइंड इन द मिडल ऑफ द लेक्चर बट आई होप सो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, इफ्रा इज सेइंग फातिमा अली जिना। ओके, तौफीक ने रीज़न अच्छा दिया है कि भाई मैं लियाकत अली खान साहब को वोट इसलिए देता क्योंकि वो राइट हैंड मैन थे कायदे आज़म के। ओके, एंड इफ्रा इज सेइंग फातिमा जिना टू ब्रिंग वेमेन एम्पावरमेंट
ये कहाँ से बीच में आ गया, वुमेन एम्पावरमेंट. अल्हम्दुलिल्लाह एट दैट टाइम वुमेन वर एम्पावर्ड, दैट्स व्हाई फातिमा जिन्ना वाज इन द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान. सो ओके अरी भाई सिंह लियाकत अली खान. ओके व्हाट अबाउट यू मिसबा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अंजला आपका क्या मानना है इस हवाले से? अनीशा यू टू, यू कैन यूज योर माइक्स एंड यू कैन ऑल्सो आंसर मी ऑन मैसेज. ओके सो आप लोगों ने अपने अपने चॉइसेस बता दिए हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि व्हाई दे वर अपोजिट टू ईच अदर. ठीक है, मैं रीजन बताता हूँ फिर आप लोग डिसाइड करिएगा. ओके, व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इट वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, और पाकिस्तान के पास एक इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हैं पॉइंट था, एंड दैट वाज इट्स एग्रीकल्चर. पाकिस्तान का एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज़बरदस्त मामला था. इनिशियल स्टेजेस में इन्होंने प्रॉब्लम फेस की है, लेकिन उसके बाद अपने आप को एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपने आप को बैक कर लिया था. इवन इतना ज़्यादा कि दे स्टार्टेड हेल्पिंग अदर नेशंस एंड दे एक्चुअली हेल्प्ड अदर्स by giving donations and by giving them free food as well. Itni zyada strong ho chuke the. So Mohtarma Fatima Jinnah used to think that Pakistan should stay in the limits and work on agriculture and improve the fields of agriculture, while Liaquat Ali Khan was not agree with this idea, and he wanted to develop country in form of science and modernism. He wanted to introduce science in Pakistan and wanted to compare Pakistan with other modern countries. Unki ideology ye thi ki Pakistan can sustain only if it has the power of science and it can be compatible with the science and the fields of science. Pakistan should uplift some of the scientific fields and then move on and then be compared with the other modern world. So these were their basic differences. There were some other differences as well, but this was one of their mandates. ये उनके mandate का एक छोटा सा हिस्सा था, and they went for voting, and finally Liaquat Ali Khan won the election. And when he won the election, he actually whatever he said, he actually did that. Like ऐसा नहीं कि भाई vote हासिल करने के लिए कह दिया मैं पानी दूंगा और ये दूंगा और ऐसा दूंगा और वैसा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा. It was nothing like this. He actually did it. उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को साइंटिफिक फील्ड्स के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और मॉडर्न मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर आएंगे. सो ही एक्चुअली डिड दैट. ठीक है, इफ्राइज आस्किंग कायदे आजम के बाद गवर्नर जनरल के लिए वोटिंग भी नहीं हुई क्या? ये इम्पॉसिबल है कि कायदे आजम के बाद कोई शख्स गवर्नर और जनरल बनता, ये इम्पॉसिबल है. उसका रीज़न ये है कि ये आप इमेजिन करें, आर्मी की कमांड और मुल्क की कमांड दोनों एक ही शख्स संभालने, ये इम्पॉसिबल है. बहुत ज़्यादा टफ डिसीजंस करने पड़ जाते हैं, और कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है, आपने पाकिस्तान की तारीफ देखी भी है, कि आपके आर्मी चीफ और आपका प्राइम मिनिस्टर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आइनी तौर पर मुल्क को कैसे चलाएँ और दिफाई तौर पे मुल्क को कैसे चलाएं. इट वाज कम्प्लीटली कॉन्ट्रडिक्टेड विद ईच अदर. सो दैट्स व्हाई इट वाज द बेस्ट डिसीजन एवर कि हमने किसी और शख्स को जो है वो गवर्नर जनरल नहीं बनाया, क्योंकि अगर ये गवर्नर जनरल वाला सिलसिला चल रहा होता, सो ऑनेस्टली या तो शायद आप और मैं इस वक्त अपने घरों में बंद होते, जेलों में बंद होते हमारे आबा अजदाद, या तो फिर हम लोग शायद इस दुनिया में ही ना होते. इट वॉज समथिंग लाइक दिस. इट वुड बी वर्स्ट टेरेबल थिंग would happened in Pakistan कि अगर उनके बाद गवर्नर जनरल वाली पोस्ट आगे बढ़ जाती. थैंक गॉड कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि नाउ एटलीस्ट यू कैन रिलाई ऑन वन सोर्स. एटलीस्ट आप ये कह सकते हो कि भाई नहीं, हम पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देते, या मे बी यू सपोर्ट योर डेमोक्रेटिक सिस्टम कि मे बी आप उससे होप लगा के रखते हो. सो इट दैट्स वाई नॉट हैपन. Liaquat Ali Khan was chosen as the Prime Minister of Pakistan. He started working in the field of science. Not only did that, but also practically introduced many institutes in Pakistan. Especially, इन्होंने एक institute बनाया, Government College of Technology in Karachi. World Asia's biggest
टेक्निकल कॉलेज वॉज मेड इन हिज टाइम, एशिया का सबसे बड़ा टेक्निकल कॉलेज इन्होंने अपने टाइम में बनाया एशिया के अंदर उस टाइम पे, ऑलमोस्ट 46-47 कंट्रीज थे उसमें सबसे बड़ा टेक्निकल कॉलेज बनाया गया कराची के अंदर. एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, उस कॉलेज की प्रिंसिपल का डिसीजन लिया गया, उसकी पहली प्रिंसिपल थी मोहतरमा फातिमा चिना. जस्ट इमेजिन, मतलब ये लड़ाई वो वाली लड़ाई नहीं थी कि एक दूसरे का खून खराब करते, दे बोथ रिस्पेक्टेड ईच अदर, दे बोथ अग्रीड ऑन देयर पॉइंट ऑफ व्यूज, दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे लेकिन दूसरे के अगेंस्ट कोई नहीं गया. नो, ईशा सिंह लियाकत अली खान और फातिमा जिना का डिस्प्यूट था, बट वैसे दे वर लाइक एनिमीज और समथिंग बिकॉज दे वर ऑन द सेम साइड बिफोर पाकिस्तान. यस, दे वर स्टिल ऑन द सेम पैथ, दोनों एक ही तरफ थे, दोनों का बेसिक रीजन था पाकिस्तान को डेवलप करना. मोहतरमा फातिमा जिना अपनी जगह गलत नहीं थी, उनका मानना यह था भाई जिस चीज़ में स्ट्रॉन्ग है उसको मजीद स्ट्रॉन्ग करो, तो उनका एक अच्छा माइंड था, डेवलपमेंट की तरफ था. जबकि लियाकत अली खान साहब का था भाई ये फील्ड हमारी तरह बेहतर है तो हमें एक और फील्ड ले लेनी चाहिए और उसमें डेवलप करना चाहिए. सो एटलीस्ट दोनों का मकसद पाकिस्तान को तरक्की देना था, दोनों चाहते थे पाकिस्तान प्रॉस्परस हो, डेवलप हो, ठीक है. और देखिए दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट के जोन के अंदर रखा. अगर ऐसा कोई फाइटिंग वाला कोई चक्कर होता तो क्या मोहतरमा फातिमा जिना को उस कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया जाता जो कि एक आइडियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंटिफिक फील्ड था पाकिस्तान का, एंड शी एक्चुअली एक्सेप्टेड इट. अगर उनका कोई प्रॉब्लम होता ईगो का या कोई फाइट वाइट वाला सीन होता तो शी वुड नेवर एक्सेप्टेड इट, शी वुड नेवर एक्सेप्टेड इट, राइट. सो यू कैन इमेजिन दिस. एंड एक छोटा सा इसी के अंदर पार्ट है कि वंस लियाकत अली खान asked Mohtarma Fatma Jinnah to have some, you know, infrastructural development of her house. और के अपने उनके घर के बाहर की जो दीवार थी वो बड़ी छोटी सी थी तो उसको कोई भी आर पार करके जा आ सकता था. तो सिक्योरिटी बेसिस पे उनको कहा गया कि भाई आप जो है अपने घर की वो जो दीवार है उसको 3 feet के बजाय और मज़ीद 6 feet की तरफ ऊपर बढ़ा दिया जाए. शी सेड कि अभी पाकिस्तान के पास इतना गैर ज़रूरी पैसा नहीं आया कि हम उसे अपनी आसाइशों में इस्तेमाल करें. दे वर द पीपल लाइक दिस, सो बोथ ऑफ देम वर ग्रेट एंड दे बोथ मेंट टू डेवलप पाकिस्तान. यस, ये बात बिल्कुल सही कहा कि कुछ डेवलपमेंट क्राइटेरिया डिफरेंट थे जब ही उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट में आना पड़ा, लेकिन आई एम डैम श्योर चाहे वो एक साइड होती या दूसरी साइड, दोनों साइड पाकिस्तान की डेवलपमेंट होती क्योंकि दोनों का मकसद यही था. इन दोनों में से किसी भी हम किसी भी शख्स की नियत पे हम शक नहीं कर सकते. ओके अच्छा, ये पाकिस्तान के 3 साल बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे. फर्स्ट ईयर पाकिस्तान का जो था तकरीबन वो कायदे आज़म की लीडरशिप में रहा, उसके बाद उनकी डेथ के बाद कुछ टाइम ऐसे चला, फिर लियाकत अली ये इलेक्शंस वाला मामला शुरू हुआ, लियाकत अली खान सिलेक्ट हुए. जब लियाकत अली खान साहब सिलेक्ट हो गए उसके बाद जो है वो कैंसस यूनिवर्सिटी ने इनको इनवाइट किया अपने यहाँ. कैंसस यूनिवर्सिटी का मामला ये था कि उन्होंने इन्हें ऑनरेबल चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया कि भाई आप हमारी नज़र में बहुत काबिल शख्स हैं और हम चाहते हैं कि आपसे हमारे बच्चे कुछ सीखें. अपने स्टूडेंट्स का उन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम अरेंज किया और उसमें उन्होंने क्या किया कि आप जो है वो लेक्चर दें. अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप लोग स्क्रीन की तरफ थोड़ा सा देखें, ठीक है, आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया होगा इसके बारे में. ये देखें, यहाँ पर इन्होंने ये लाइन लिखी हुई है. बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है ना ये उनकी स्पीच है, लियाकत अली खान की स्पीच है जिसके ऊपर ही पूरा चैप्टर लिखा गया. अब यहाँ पर देखें इन्होंने अपने स्पीच का टॉपिक क्या चूज किया, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. ये इन्होंने अपने टॉपिक को सिलेक्ट करा, उसका रीजन मैं आपको बताऊं. अच्छा, मैं रीजन भी बताता हूं और आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करता हूं, ठीक है. अच्छा, वो क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा. ओके, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री था जो कि दूसरे कंट्री में मिलके रह रहा था और सदियों सालों से रह रहा था और इनके रूट्स एक ही जैसे हो गए थे ऑलमोस्ट. तो फिर पाकिस्तान ने अपने आप को अलग कर लिया और इट वाज फेमस दैट पाकिस्तान ने अपने आप को अलग इसलिए किया क्योंकि उनके कुछ मज़हबी इख्तलाफात थे इंडिया के साथ.
क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि उनके आपस में मजहबी इख्तलाफात थे, इस वजह से पाकिस्तान अलग हुआ? जी ओके। और बाकी बच्चे भी बताएं भाई कि क्या यही वजह थी हमारी इंडिया से अलग होने की, कि हमारे कुछ मजहबी इख्तलाफात थे उनसे? हाँ सर, एग्री करते हैं, लेकिन असल चीज़ भी तो ये थी, रूल्स वगैरह जो मुसलमानों के हुकूक उनको नहीं मिलते थे। अच्छा, अभी आगा ने बड़ी अच्छी बात करी है, दो बातें की आगा ने, कि रिलीजियस मसला तो था ही, लेकिन हमारा दूसरा मसला हुकूक का था, ठीक है? तो ये दो अलग चीज़ें। अच्छा, आप रिलीजन को और राइट्स को एक जगह ना करिएगा अभी, सही है? क्योंकि फिर हम ये बात फिर वो मज़हब की तरफ चली आएगी कि भाई मज़हब में राइट है या नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं बेसिक राइट्स की और रिलीजन की। तो हम रिलीजन की वजह से अलग हुए हैं, बेसिक राइट्स की वजह से अलग हुए? बेसिक राइट्स की वजह से अलग हुआ सर। ठीक है, और दूसरे भी बताएं भाई, अरीबा का मानना भी यही है राइट्स की वजह से, हंसला का भी यही मानना है, और ईशा का भी यही मानना है। यस, एग्जैक्टली दिस। अक्सरियत हमारी आज भी ऐसी ही है जो समझती है कि हमने अपने आप को मज़हब की वजह से अलग कर लिया। देखिए, राइट नाउ इफ़ यू सी इंडिया, इंडिया हैज़ अराउंड 130 करोड़, यस आई एम राइट, 130 करोड़ उनकी आबादी है इंडिया की इस वक्त। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज़ इंडिया, चाइना की अराउंड 155 या 160 करोड़ है, और सेकंड पर इंडिया आता है 130 करोड़, जिसमें से इस वक्त इंडिया के अंदर लिविंग मुस्लिम्स जो है वो तकरीबन 28 करोड़ हैं, 28, पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन 22 करोड़ है, उससे ज़्यादा उससे वहाँ मुसलमान रहते हैं। कैन यू इमेजिन कि अगर ये मज़हब का मसला होता तो आज तक वो 22 करोड़ मुसलमान वहाँ जिंदा होते, सॉरी 28 करोड़ मुसलमान वहाँ बचते। Even in Pakistan, we have Hindus with us. हाँ भाई, तो अच्छा ईशा, you are saying के religion रीज़न था जिसकी वजह से बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे थे। ओके, सो इट मींस दैट कि सिर्फ मुस्लिम्स को बेसिक राइट्स नहीं मिले, बाकी सबको बेसिक राइट्स मिल रहे थे। डू यू थिंक लाइक दिस? आई एम टॉकिंग टू एवरीवन राइट नाउ। डू यू थिंक जस्ट मुस्लिम्स थे उस वक्त जिनके साथ जुल्म हुआ, और कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं थी जिसके साथ जुल्म हुआ? It's a very big statement, by the way. Do you think only Muslims were disturbed? अक्सरियत तो सर मुस्लिम्स की थी, बाकी दूसरों को भी ऐसे राइट्स का इशू था। बिल्कुल, जैसे कि हिंदूज भी वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है कि हिंदूज के साथ भी जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती हुई है वहाँ पे। सिख लोग हैं, उनके तो गुरुद्वारे जला दिए गए, जो उनकी बेसिक इबादत की जगह है, जिसको वो बहुत ज़्यादा वो मानते हैं, उनकी पूरा उनका मज़हब पूरा रिलेट ही उनके गुरुद्वारे से करता है, उसको आग लगा दी गई। इसके अलावा हिंदूज थे, क्रिश्चियंस थे, उनके चर्चेस के अंदर घुस के उनको गोलियाँ मार दी गई हैं। सो देयर वर थिंग्स हैपेंड राइट, ऐसी चीज़ें हुई हैं, ये सब कुछ हुआ है, बट ये सिर्फ ज़रूरी नहीं था कि ये सिर्फ मुसलमानों के साथ हुआ, सबके साथ हुआ। लियाकत अली ख़ान ने ये बात वहाँ पर सबको क्लियर की कि दुनिया की नज़र में ये था कि क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमने उनके साथ रहना पसंद नहीं किया और अपने आप को अलग कर लिया, तो कहीं हम लोग एक ऐसे कंट्री ना बन जाएं जो कि दूसरों के अंदर इन्वेड कर जाएं। जैसे मंगोल्स थे, उनका कोई ठिकाना नहीं था, वो जहाँ घुसते थे बस उस पर कब्ज़ा कर लिया करते थे, या अपने आप को दूसरे खत्ते से अलग कर लिया, तो कहीं ये वो तो नहीं बन जाएंगे, कहीं ये मज़हब के नाम पे दहशतगर्दी तो नहीं फैलाने शुरू कर देंगे, कहीं ये रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं बन जाएंगे? तो इन्होंने ये चीज़ क्लियर की कि नहीं भाई, आप पाकिस्तान को 3 साल पहले पैदा होने वाला मुल्क ना समझें, बल्कि हमारे रूट्स जो हैं वो बहुत पुराने हैं।
अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान उस वक्त भी जिंदा था जब हिंदुस्तान था, और हिंदुस्तान के अंदर फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी। तो अगर आपको पाकिस्तान को देखना है तो आप उस फ्रीडम मूवमेंट से देखें। दूसरी बात, अगर आपको मुसलमानों को देखना है तो मुसलमान पाकिस्तान बनने से मुसलमान नहीं हुआ, बल्कि ये तो 1400 साल पहले से मुसलमान है। अगर रिलीजियस मसले मसाइल की बात हो रही है तो ये तो हम 1400 साल पहले से हैं। दूसरी बात, हमें यहाँ पर जो रिलीजियस डिफरेंसेस थे वो क्या थे, उन्होंने रिलीजियस डिफरेंसेस बताए। वो ये बताए कि भाई मुस्लिम्स जो हैं वो मोनोईथियस्ट हैं। मोनोईथियस्ट का मतलब होता है एक रब की इबादत करने वाला, जबकि हिंदूज जो हैं वो पोलीथियस्ट हैं। पोलीथियस्ट से मुराद ज्यादा, एक से ज्यादा की इबादत करने वाले। ठीक है, अच्छा अब ये बात हो गई, ओके क्लियर हो गई यहाँ तक की मेरी बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम्स बिलीव इन द प्रॉफिटहुड, प्रॉफिट ऑफ अरब। मुसलमान प्रॉफिट्स के ऊपर बिलीव करते हैं, और बिलीव करने के अलावा ये सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद पे बिलीव नहीं करते, बल्कि जीसस क्राइस्ट, मोसेस, अब्राहम, इन सब के ऊपर, एडम से लेकर ये प्रॉफिट मोहम्मद तक, सब के ऊपर बिलीव रखते हैं, जबकि हिंदूज जो हैं वो प्रॉफिटिज्म के ऊपर बिलीव नहीं रखते। लेकिन हमारा पाकिस्तान को अलग करना इन बेसिस के ऊपर नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को इसलिए अलग किया गया क्योंकि उनके जो रिलीजियस थॉट्स हैं वो डिफरेंट है और हमारे रिलीजियस थॉट्स अलग हैं। अब आते हैं वो क्या चीज़ है। जैसे कि हिंदूज के अंदर है कास्ट सिस्टम। हिंदूज के अंदर चार कास्ट होती हैं, ठीक है। एक होती है, यानी कि हिंदू कहते हैं एक ऐसे शख्स को जो कि एक वॉरियर, एक जिसम है, एक वॉरियर का जिसम है, जिसका जो हेड है ना, दिमाग, वो है ब्राह्मण्स। फिर उसके बाद जो शोल्डर्स है ना, वो है शत्रुज। फिर जो आते हैं वो वर्किंग क्लास हैं, टांग। और फिर आते हैं पांव, जो के दलित्स हैं। तो हेड जो ब्राह्मण्स हैं, कहते हैं भाई ये इलीट क्लास, सबसे बेस्ट क्लास। फिर उसके बाद जो आते हैं शत्रुज, जो के वॉरियर्स हैं। फिर जो आते हैं वर्किंग क्लास हैं। फिर जो बिल्कुल लास्ट में आते हैं, यानी पांव, पैर, वो हैं ब्राह्मण्स, वो सॉरी दलित्स। और आप देख सकते हैं कि उनके साथ इवन उनको अछूत माना जाता है, उनको टच नहीं किया जाता। अगर वो किसी ब्राह्मण को टच कर दे तो वो बकायदा पूरा जाके वो शावर लेते हैं। अगर कोई दलित उनके घर में एंटर हो जाए तो वो पूरे घर को धोते हैं, कि वो उन्हें अछूत मानते हैं। इवन इस तरीके के लोगों को मंदिर में आने की इजाज़त नहीं है, कि अगर ये मंदिर में आएंगे तो मंदिर गंदा हो जाएगा, लिहाजा उनके लिए अलग से मंदिर बनाए जाते हैं। सो दीज वर देयर कॉन्सेप्ट। एंड बात करें इस्लाम की, इस्लाम कंसीडर एवरी वन इक्वल, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा। बल्कि हमारे लास्ट प्रॉफिट सल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में इस बात को क्लियर ही कर दिया कि मुस्लिम्स जो है वो चाहे अरब हो, नॉन अरब हो, इक्वल हैं। ब्लैक हो, वाइट हो, इक्वल हैं। अगर इनमें बेहतरी तलाश करनी है तो इनकी नेकियों की बुनियाद पे नेकी तलाश की जाएगी। तो ये मामला थे। अब आप सोचें, एक ऐसा कंट्री जहां पे मेजोरिटी है हिंदूज की, और इनके अंदर है कास्ट सिस्टम, और ये अपनी कास्ट वालों को अपने बराबर नहीं समझते, तो फिर मुसलमानों को क्या समझेंगे। पहला मसला ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मसले की तरफ। हिंदूज के अंदर जो है वो वेमेन जो है वो इनहेरिटेंस का हकदार नहीं है, यानी कि औरत जो है उसे जायदाद का हिस्सा नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसमें जो है वो उसकी शादी के अंदर जो है वो जहेज का सिस्टम है। जबकि इस्लाम के अंदर जहेज को बिल्कुल ही इग्नोर किया गया है, और विरासत में औरत का हिस्सा रखा गया, और सख्ती से कहा गया उस हिस्से को देने का। यहाँ कॉन्ट्रडिक्शंस आ गए। इसके अलावा मुस्लिम्स जो कि अपनी इबादत समझते हैं कुर्बानी करना, वो गाय की कुर्बानी करते हैं, उसके गोश्त को खाते हैं, उसके उससे हासिल किए गए दूध को इस्तेमाल करते हैं। उसी जगह पर इन हिंदूज हैं जो कि गाय को अपना रब मानते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। सो ये वो कॉन्ट्रडिक्शंस थे जो एक मेजोरिटी हिंदूज की जो थी वो कभी भी राइटफुलनेस नहीं दे सकती थी मुसलमानों को, क्योंकि वो उनके अंडर में आ ही नहीं पाता। तो ये वो बेसिक राइट्स थे। अच्छा, मैं आप इन बेसिक राइट्स को कह सकते हैं सर ये तो वही बात हो गई, इस्लाम वाली बात हो गई, या ये तो मजहब के ही ऊपर बात हो गई। देखें, इमेजिन इट, पाकिस्तान में हिंदूस रह रहे हैं, ऑब्वियसली रह रहे हैं। दे आर अलाउड टू डू वर्शिप ऑफ काओ, दे आर नॉट बीइंग थ्रेटेंड कि आपने गाय को पूजा तो हम आपको जान से मार देंगे। इट इज नॉट लाइक दिस, इवन इंडिया में भी नहीं था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सो दिस वॉज द रीज़न के लियाकत अली खान ने कहा कि अगर हम उस वक्त जब अंग्रेज़
इसको बरे सगीर को छोड़ के जा रहे थे, अगर हमने उस वक्त अपने लिए स्टैंड ना लिया होता तो हिंदू उसके अंडर आ चुके होते, हम क्योंकि मेजोरिटी में हिंदूज थे और हम माइनॉरिटी बन जाते, और माइनॉरिटी में रहते हुए हमें अपने राइट्स मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो लिहाजा हमने उसी वक्त डिसीजन लिया कि हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करते तो हमारे लिए आज़ादी आज़ादी ना होती बल्कि एक मालिक की गुलामी छोड़ के दूसरे मालिक की गुलामी होती। तो ये कुछ बेसिक रीजंस थे। अब मुझे ये बताएं कि ये मेरे जो राइट्स और रिलीजन को जो मैंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया, ये वाली बात आपको समझ में आई है या नहीं? क्लियर है सर, समझ लो। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक पैराग्राफ बता रहा हूँ, अगर आपके पास क्या कहते हैं, मैं व्यू कर देता हूँ उसको, फुल व्यू, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपके पास जो है वो ना हो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लें, वरना आपके पास पेज नंबर 45 है, आप उसको जो है वो कर लें, नोट कर लें अपने पास पेज नंबर 45 को, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये वाला पेज आप लोगों ने यहाँ से पाकिस्तान इज अ न्यू स्टेट से लेकर आपने यहाँ तक पढ़ना है, एक्यूमुलेशंस तक। ठीक है, यहाँ तक आपने रीड करना है, कल हम इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह, सही है, एंड होपफुली कल आप लोग इसको रीड करने के बाद काफ़ी सारे हमारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, थोड़ी सी डिबेट भी होगी, आप लोग भी अपना आर्ग्यू रखना, मैं भी अपना आर्ग्यू रखूँगा, हो सकता है मैं कुछ ऐसी बात कहूँ जो कि बेसिकली गलत हो, तो आप उसको डिफेंड करें, अपने आंसर को डिफेंड करिएगा, आप आर्ग्यू कर सकते हैं, नहीं सर ये बात ऐसी नहीं है, ये बात ऐसी है, सो वी कैन हैव सम डिबेट। ओके, so this will be inshallah very interesting class tomorrow, so hopefully आप लोग ये read कर लेंगे, read करने का काफ़ी ऐसी basic knowledge है जो आपको आ जाएगी, और फिर हम inshallah इसको कल continue करेंगे। okay, so inshallah see you tomorrow, take care everyone, Allah Hafiz, hopefully you enjoyed the topic, Allah Hafiz sir, Allah Hafiz, Allah Hafiz.